हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, कॉस ए अपान वन माइनस टेन ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए माइनस साइन ए इक्वल टू कॉस ए प्लस साइन ए। ये सवाल आता है सिद्ध करने के लिए। ठीक है, ये सवाल आपका है तो 4 नंबर का आएगा या आपका 6 नंबर का आएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के लिए, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं और वो ही बहुत ही बेहतर तरीके से। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक यहाँ पे देखना है आपको। आप लोगों को वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना है ताकि आप लोग हर बात को यहाँ पे समझ जाएँ और चीज़ों को सीख सकें। तो देखिएगा सवाल लिखा हुआ है, इसको हम अगली साइड नोट कर लेते हैं। सवाल हमारा है कि कॉस ए अपान वन माइनस टेन ए, वन माइनस टेन ए आगे क्या है, माइनस साइन स्क्वायर ए अपान माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए माइनस साइन ए इक्वल टू कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए। सवाल था आपका कॉस ए अपान वन माइनस टेन ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए माइनस साइन ए इक्वल टू कॉस ए प्लस साइन ए। मतलब क्या है कि अगर हम इस पोर्शन को सॉल्व करें तो ये वाला पोर्शन आ जाए। सिद्ध करने का मतलब यही होता है कि अगर कंडीशन समझो, अगर हम लोग एल एच एस सॉल्व करें, राइट लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, ये एल एच एस साइड होती है। ठीक है, तो ये वाली साइड आ जानी चाहिए। अगर इसको सॉल्व करें तो ये आ जाए पहली कंडीशन। दूसरी, अगर हम लोग आर एच एस को सॉल्व करें तो इसको हल करने के बाद एल एच एस आ जाए, ये एक दूसरी कंडीशन। ये पहली कंडीशन कि अगर इसको एल एच एस को साइड करें तो आर एच एस आ जाए। दूसरी कंडीशन, अगर आर एच एस को सॉल्व करें तो एल एच एस आ जाए। अगर तीसरी कंडीशन, एल एच एस को सॉल्व कीजिए कुछ आंसर आपका आ जाएगा, फिर आप आर एच एस को सॉल्व कीजिएगा कुछ आंसर आपका आ जाएगा, और ये दोनों आंसर बराबर आने चाहिए। तो लिख सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस, ऐसा लिख देंगे। तो ये कंडीशंस होती, ये कंडीशन होती है इसके लिए। अब देखो इसको यहाँ से हटाते हैं आपका सवाल समझने के लिए। ठीक है, ये हटा देते हैं। अब देखिए आप लोग यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इस सवाल को, सॉल्व करेंगे एल एच एस से, एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिएगा सवाल को, अब ध्यान से समझना। ठीक है, देखो लिखेंगे यहाँ पर एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे कॉस ए अपान वन माइनस टेन ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए माइनस साइन ए। ये सवाल तो है। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, आपको मालूम है कि फॉर्मूले हम एक साइड लिखते आएंगे। देखो फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए कि टेन ए बराबर क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये फॉर्मूला होता है, पता होना चाहिए आपको। अगर नहीं पता है तो उसको आप लोग याद करें, सभी फॉर्मूले लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, साइड में। अब देखो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्यों, क्योंकि देखिए कॉस साइन तो टेन को यहाँ पे चेंज करेंगे साइन कॉस में, लिख देंगे कि कॉस ए अपॉन वन माइनस, इसको लिख देंगे साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, इसको लिख दिया यहाँ पे माइनस, ये सेम टू सेम लिख देंगे सेकंड वाला, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, इसको सेम टू सेम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए अपॉन पूरे बटे में, ये इधर एक कर लें तो कॉस ए का गुणा गुणा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में हो जाएगा आपके कॉस ए। क्लियर बात, माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने एक कंडीशन लिखी हुई है कि ए पूरे के बटे में लिखा हुआ है बी बटे सी, यही तो लिखा हुआ है।
जब आपको ऐसे कंडीशन दे रखी हो तो क्या करते हैं, लिखते हैं बराबर ए और सी आपका ऊपर, ए सी अपान बी, इसको ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, ए सी अपान बी, ये तो एक कंडीशन हो गई। अब देखो कंडीशन समझा दूँ आपको, एक कंडीशन होती है कि अगर लिखा हुआ ए अपान बी और पूरे के अपान में अगर लिखा हुआ सी अपान डी, तो कैसे लिखते हैं, ए अपान बी भिन्न पलट जाते हैं, लिखते हैं डी अपान सी, एक कंडीशन हो गई। एक और कंडीशन समझ लीजिएगा आप लोग, कॉपी में नोट कर लेना इसको, एक होती है ए अपान बी और पूरे के बटे में लिखा हुआ है सी, तो ये होती है ए अपान बी सी, क्लियर। ये एक कंडीशन ये हो जाएगी आपकी, एक ये वाली कंडीशन हो जाएगी, और ये क्या आपकी ये कंडीशन हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर कौन सी अप्लाई होगी, यहाँ पर तो पहली वाली कंडीशन अप्लाई होगी क्योंकि ए अपान बी अपान सी, तो ये बी अपान सी लिखा हुआ है पूरा भिन्न। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो है आपका ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पर, तो इसको लिखेंगे आगे हम लोग कि कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, और इसके अपान में जो था कॉस है ये कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा इनटू में कॉस है, क्लियर। ये वाला जो कॉस है था आपका, ये जो कॉस है लिखा हुआ ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये इसके पास गुणा में पहुंच जाएगा, इस कंडीशन के हिसाब से ये पहुंच गया यहाँ पे, तो ये यहाँ पे पहुंच जाएगा आपका, तो कॉस ए इंटू कॉस ए अपान कॉस ए माइनस साइन ए, सही है। आगे लिखा हुआ माइनस साइन स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर है अपान कॉस ए माइनस साइन है अपान कॉस ए माइनस साइन है, यही तो लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब आगे देखो इसको, आगे हम सॉल्व करेंगे, तो कॉस और कॉस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर है अपान कॉस ए माइनस साइन है माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस ए माइनस साइन है, क्लियर। बात आपको बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब आगे देखो इसका लासा लेंगे, लासा क्या आ जाएगा आपका, कॉस ए माइनस साइन है। आगे देखिए इधर, ये आपका जो लिखे, अगर आपका हल समान हो तो आपका अंश अगर माइनस का होगा तो घट जाएगा, वैसे आपका जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए मैंने आपसे कहा था फॉर्मूला एक साइड में, तो फॉर्मूला एक साइड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वही कंडीशन यहाँ पे लगा देंगे, तो लिख देंगे कि कॉस ए प्लस साइन ए, एक बार प्लस का हो जाएगा एक बार माइनस का, तो कॉस ए माइनस साइन ए, और अपान में आपका लिखा हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए। अब देखिए ये गुणा में इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए, क्या चीज़ आ गई, देखो यही सिद्ध करना था, कॉस ए प्लस साइन ए, देखो यही लाना था ना हमें, कॉस ए प्लस साइन ए, और यही आपका आ गया है हल करने के बाद, तो आपका आ गया है क्या, आ गया ये आपका आ गया RHS, लिख देंगे प्रूव्ड, ये सिद्ध हो गया, ठीक है। तो अगर आपको बात समझ में आ गई होगी तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई बात समझ में ना आई हो यहाँ पर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई भी सवाल है आपको समझ में नहीं आता है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं।